subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, student, we will start the fourth exercise of the chapter. Our first question is here. Find the union of each of the following pairs of sets. यहाँ पर कुछ pair of sets दिए हुए हैं जिनकी union आपको बतानी है और यहाँ पर total 3 pairs हैं. तो first हम यहाँ पे करते हैं C first वाले part में. अगर आप देखें यहाँ पर x आपको set दिया है 1, 3, 5 जिसके element हैं और इसके साथ में आपको y यहाँ पर दिया हुआ है. y जो है this is y. y के element क्या है? y के element है 1, 2, 3. ये 1, 2, 3 इसके एलिमेंट है दिस. अब आपको यहाँ पे यूनियन निकालनी है इसकी. तो x यूनियन y इस तरह से लिखेंगे. और कैसे लिखते हैं? पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट, फर्स्ट वाला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट लिख लीजिए, यानी कि x के सारे एलिमेंट 1, 3, 5. अब y के एलिमेंट लिखिए, बट जो एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं वो नहीं लिखने. तो 1 जो है वो ऑलरेडी आ चुका है. 2 लिखना है यहाँ पे, दिस इज 2. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज 2. एंड देन उसके बाद जो है 3 आ चुका है. तो आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर रहने देना है. ये आपका आ गया x यूनियन y. अब जरा सेकंड पेयर अप में देखिए, सेकंड पेयर में आपको क्या दिया है? a यहाँ पर आपको जो डिफाइन किया गया है x, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. x क्या है? x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 है ये. यानी कि क्या क्या एलिमेंट होंगे अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखू? 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन इस तरह से. देन उसके बाद हमारे यहाँ पे किसके साथ इसके यूनियन निकालनी है? बी के साथ. और बी यहाँ पे क्या है? बी है एक्स, वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स. नेचुरल नंबर लेस देन 6 है. यानी कि कौन कौन से हो गए यहाँ पे? दिस इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे हो गए. अब यूनियन आपको निकालनी है. तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए के सारे एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15 और बी के सारे एलिमेंट. तो पहले मैं बी के एलिमेंट लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद फिर 6 आएगा यहाँ पे, देन 9, देन 12, देन 15, देन 6, 9, 12, 15 दिस एंड ऑनवर्ड्स. इस तरह से 3 के मल्टीपल अब आते रहेंगे दिस. अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं. तो थर्ड पार्ट में हम यहाँ पे क्या पेयर्स लिए हैं? थर्ड पार्ट के जो पेयर्स हैं वो है ए. ए यहाँ पे दिया है 1, 2, 3, 1, 2, 3 और बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बी इज इक्वल टू नल सेट दिया हुआ है. तो अब अगर किसी भी सेट का यूनियन आप नल सेट के साथ निकालते तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? पहले ए के सारे एलिमेंट 1, 2, 3 और अब बी के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यही आ जाएगा. तो इससे क्या पता लगता है? किसी भी सेट की यूनियन अगर नल सेट के साथ निकाले तो वो सेट इटसेल्फ ही आ जाता है. यानी ए की हमने यूनियन नल सेट के निकाली तो ए ही हमें ऑब्टेंड हो.